हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ग्राइंडर मशीन का आर्मेचर बदलना सीखेंगे। दोस्तों, दरअसल इस आर्मेचर का जब ख़राब हो चुकी है तो हम इसको दोस्तों रिप्लेस करेंगे, यानी इसके अंदर का आर्मेचर को चेंज कर देंगे और एक नया वाला लगाएंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको जो कार्बन वाला प्लेट है इसको बाहर निकाल लेना है, और इसका जो कार्बन है उसको अलग से इसको बाहर निकाल लेना है। सबसे पहले आपको एक काम करना है, इसके बाद इसके फ्रंट साइज में जो दोस्तों हिस्सा है इसको भी आपको चारों के नट खोल के अलग कर देना है। तो इस तरह से आप इसको खींचेंगे तो बाहर निकल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये इसका आर्मेचर है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो कम्यूटेटर है दोस्तों वो बिल्कुल टूट चुकी है। एक हिस्सा इस तरह से देखिए। इसके लिए दोस्तों इसको हमको बदलना पड़ेगा पूरी की पूरी आर्मेचर। तो देखिए, इसको आप इस तरह से खोल लीजिए फ्रंट साइज को। अब हम अंदर में इसका फील कॉइल भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, फील कॉइल इसका बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों इस आर्मेचर का हम ये वियरिंग निकालेंगे। उसके लिए आप इसके जो रबर है इसको भी निकाल देना है, और इसका बियरिंग हम बाहर निकालेंगे, और ये जो पिनियन है इसको भी बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए दोस्तों जो फ्रंट में आपको ये नाट है इसको आपको दोस्तों खोलना पड़ेगा। इसको कुछ आप उल्टी तरफ घुमाएंगे इस तरह से तो ये खुल जाएगा। देखिए, इसके बाद इस पिनियन को दोस्तों इस तरह से बाहर निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इसमें जो वायरिंग है और प्लेट है इसको भी आपको निकल देना है। इसके लिए हम इस तरह से एक लोहे की छेनी का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह से इसे हाथों से ठोक कर दोस्तों निकाल देंगे इस तरह। आप देखिए, पीछे में भी एक बियरिंग है, तो इसको आप एम्पुलर के मदद से भी खोल सकते हो या इस तरह से भी खोल सकते हो। देखिए, ये आसानी से दोस्तों बाहर निकल गया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक नया वाला आर्मेचर इसमें सेट करेंगे। इसके लिए तो सेम टू सेम इस तरह का ही आर्मेचर होना चाहिए जो नया वाला होगा। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास ये एक आर्मेचर है दोस्तों, सा मास्टर का कंपनी का, इस तरह से अच्छी आर्मेचर है दोस्तों, सा मास्टर कंपनी का। और यहाँ पे आप दोस्तों इसका जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, आप इसे खरीद सकते हो अगर आपका उधर ये अवेलेबल हो तो। तो देखिए दोस्तों, इसका जो मॉडल है वो आप देख सकते हो, DW801 इस आर्मेचर का दोस्तों मॉडल है। इस मॉडल को अगर आप दुकानों में जाके बोलेंगे तो आपको इस तरह का आर्मेचर दे देगी। लेकिन आप पहली बार आर्मेचर खरीदने जा रहे हो दोस्तों, तो इसके लिए आपको पुराना वाला आर्मेचर दुकान वाला के पास ले जाना पड़ेगा, और सेम टू सेम मिला के आपको लेना है। देखिए दोस्तों, इसका क्वालिटी कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छी आर्मेचर है दोस्तों, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर है। और ये हमारा पुराना वाला आर्मेचर है, तो देखिए हम इसको मिलाते हैं, और देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है दोस्तों, आप देख सकते हो। इसका हाइट भी दोस्तों सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होगी तभी जाके ये दोस्तों फिटिंग होगी। तो हाइट आप भी नाप लेना इस तरह से, ये देखिए। और इसका जो स्टेटर साइज है दोस्तों वो भी सेम टू सेम होना चाहिए, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए। तो जब आप दोस्तों पहली बार इसको ख़रीदने जाओगे तो आपको पुराना वाला ले जाके इस तरह से मिला के इसको ख़रीद लेना है। अगर आप मॉडल नंबर बोलेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप इसको सेट करेंगे दोस्तों, हम देखिए प्लेट रखने के बाद इसके ऊपर आपको ये बियरिंग लगा देना है, और इसको हम इस तरह से हैमर से हिट करके बिठा देंगे नीचे से। देखिए दोस्तों, ये बैठ चुकी है। आप इसके फ्रंट साइज में दोस्तों ये पिनियन आपको लगा देना है कुछ इस तरह से, और इसमें दोस्तों ये नट लगा के इसको फुल टाइट कर देना है। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस तरह से आर्मेचर चेंज कर रहे हो, अगर आप ये काम नहीं जानते हो फिर भी इस तरह से आसानी से कर पाओगे, कोई टेंशन करने की बात नहीं। और अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हो तो आप तो और भी आसानी से कर पाओगे। और देखिए, इस तरह से पिछले बियरिंग भी आपको लगा देना है, और इसको भी हीट करके बिठा देना है, ये देखिए। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे एक रबर लगाना है। रबर लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, रबर ज़रूर आप लगा दीजिए। अब इसको हम फिटिंग करेंगे इसके अंदर, और देखिए ये फिट हो चुकी है। अच्छी तरह से इसको बिठा देना है, और फिर ही होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीजिंग कर देंगे हम, ताकि ये अच्छी तरह से स्मूथली चल सके। और इसको इस तरह से फिट करके हम दोस्तों यहाँ पे चारों नाट लगा के इसको फुल टाइट करेंगे। इसके बाद आपको मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा।
दोस्तों आप जब भी आर्मेचर चेंज करोगे तो आपको एक नया कार्बन ब्रश यहाँ पे लगा देना चाहिए। देखिए ये नया कार्बन है और इसका भी मॉडल दोस्तों जी आर्मेचर के मॉडल के से ही सेम टू सेम है, DW801। यानी इस आर्मेचर में ही ये वाला हमारा दोस्तों कार्बन लगती है। और देखिए कुछ इस टाइप का कार्बन है, आपको इस तरह से यहाँ पर बिठा के सेट कर देना है। देखिए दोस्तों हमारा ग्राइंडर मशीन बिल्कुल फिटिंग हो चुकी है अच्छी तरह से और बहुत ही अच्छी तरह से वर्किंग कर रहा है, अब कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ऐसे ही दोस्तों आप घर बैठे आसानी से आर्मेचर चेंज कर सकते हो खुद ब खुद। और दोस्तों इस वीडियो का आपको अच्छा लगा कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और चैनल में आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपने पहले से ही अगर सब्सक्राइब किया हो इस चैनल को तो इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। तो चलिए मिलूँगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।